ठीक है। तो लास्ट क्लास जब मैंने बात किया था तो मैंने आपको बताया था कुछ डिवाइसेस के कैटेगरी के बारे में, कौन से डिवाइस को हमने कौन सी कैटेगरी में रखा। दो कैटेगरी मैंने आपको बताया था, एक कैटेगरी वन और एक कैटेगरी टू के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि आपके पास जो कैटेगरी है, अगर किसी सेम कैटेगरी डिवाइस के साथ, उसी सेम कैटेगरी के कोई डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो ना कोई वायर, तो उस केस में आपका इथरनेट वायर जो होता है तो उसमें आपका क्या होता है, स्ट्रेट सॉरी क्रॉसओवर केबल आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप किसी सेम कैटेगरी के डिवाइस से किसी दूसरे कैटेगरी के डिवाइस के साथ आप कम्युनिकेट करा रहे हो तो उस केस में आपको स्ट्रेट केबल यूज करना चाहिए, जो कि रूल के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो हालांकि आप देख लो, जब ये पुराना वाला टेक्नोलॉजी था इसको फॉलो करना पड़ता था, अभी भी कुछ डिवाइसेस के लिए आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप पैकेट ट्रेसर वगैरह में प्रैक्टिस भी करोगे तो इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन बात ये आया, जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला डिवाइसेस आ गए ना, तो उसमें ये देखा गया कि बहुत सारे इंजीनियर्स को ये दिक्कत हो गया। दिक्कत हुआ मतलब कोई स्ट्रेट केबल, अगर आपके पास बहुत सारे स्ट्रेट केबल आपने बना के रखा है तो उस केस में आपके पास क्या होता है, अगर कोई ऐसा होता है कि आपको क्रॉसओवर केबल की जरूरत पड़ता है तो फिर आपको वो केबल का जो पोर्ट होता है उसे निकाल के फिर आपको नया क्रिम्पिंग टूल लगा मीन्स क्रिम्पिंग टूल यूज करके नया कनेक्टर वगैरह लगा के आपको नया केबल बनाने की जरूरत पड़ता है, तो उसमें क्या होता है आपका टाइम टेकिंग बन जाता है। तो अभी कुछ लेटेस्ट जो आपके पास डिवाइसेस है ना, जो इथरनेट सपोर्ट करते हैं, जो इथरनेट पोर्ट वाले डिवाइसेस आपके पास आते हैं, उनमें एक नया टेक्नोलॉजी दिया गया है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ऑटो MDIX, इसे आप एक फीचर मान सकते हो। ये नेटवर्किंग के डिवाइस में एक ऐसा फीचर होता है। ये फीचर बेसिकली क्या करता है, ठीक है, ये मेरे पास चार पिन है। तो अभी मेरे पास ऐसा हुआ, इस तरफ जो मेरे पास एक डिवाइस था ना वो एक PC था, इस तरफ भी मेरे पास एक डिवाइस था जो कि एक PC था। अब फॉर एग्जांपल ऐसा मानो, तो आपने गलती से स्ट्रेट केबल लगा दिया, स्ट्रेट केबल लगाने से आपका क्या हुआ, ऐसे आपने डायरेक्ट कनेक्ट करा दिया, तीन को तीन से और छः को छः से आपने कनेक्ट करा दिया। तो अभी रूल के हिसाब से लास्ट डे जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी रूल के हिसाब से अगर मैं जाऊँगा ना तो इसे कम्युनिकेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो नंबर वन PC आपका कैटेगरी वन वाला डिवाइस है, कैटेगरी वन वाला डिवाइस वन एंड टू नंबर पिन को क्या करते हैं, डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज करते हैं, तो ये भी डेटा ट्रांसमिट के लिए यूज करता है इसको, और डेटा रिसीविंग के लिए वो लोग क्या करते हैं, 3 और 6 नंबर का यूज करते हैं। तो ये भी एक कैटेगरी वन का डिवाइस है, तो ये भी रिसीविंग के लिए 3 और 6 नंबर का यूज करेगा। तो अभी देखो, ये डिवाइस जब डेटा भेज रहा है इस डिवाइस को, इस डिवाइस के पास डेटा सेंडिंग वाले पिन पे रिसीव हो रहा है, तो ये डिवाइस डेटा तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है ना, क्योंकि इससे जहाँ से डेटा भेजना चाहिए था उसी पर वो क्या कर रहा है, डेटा को रिसीव कर रहा है, तो नहीं होगा ना। लेकिन बाद में क्या किया गया, एक ऐसा फीचर लाया गया जिसका नाम उन्होंने दे दिया ऑटो MDIX टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर एक फीचर ये था, आप मान सकते हो किसी डिवाइस में ये एक फीचर नया इंट्रोड्यूस किया गया। ये फीचर से क्या होगा, अगर आपके इस डिवाइस के पास सेंडिंग वाले पिन पे डेटा को सेंडिंग वाले पिन पे अगर कोई डेटा रिसीव हो गया ना गलती से, तो ये डिवाइस में अगर ऑटो MDIX टेक्नोलॉजी जो है अगर एनेबल है, तो इस डिवाइस को तुरंत पता चल जाता है कि ये जो केबलिंग आप यूज कर रहे हो ना, ये केबल गलत है, गलत केबल यूज किया गया है। तो इससे क्या हो रहा है, मेरा सेंडिंग वाले पोर्ट पे मेरे को डेटा रिसीव हो रहा है, और रिसीव वाले पोर्ट पे हो सकता है मेरे को डेटा सेंड करने की जरूरत पड़ सकता है। इसीलिए वो क्या करेगा, तुरंत सडनली ये जो ट्रांसमिट वाला पिन आपके पास थे ना, उस ट्रांसमिट वाले पोर्ट को पिन को ये क्या करेगा, रिसीव के लिए यूज कर लेगा, और रिसीव के लिए जो आपके पास पिन था ये ट्रांसमिट के लिए यूज कर लेगा। तुरंत ये क्या करेगा, स्वाप कर लेगा, जो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी था, जो जिस पिन के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था उसको वो स्वाप कर लेगा तुरंत। जो सेंडिंग वाले रेस्पॉन्सिबिलिटी जिन पिन को दिया गया था उनको वो रिसीविंग के लिए यूज कर लेगा, और रिसीविंग वाले जो पिन थे आपके पास उनको वो सेंडिंग के लिए यूज कर लेगा। तो फिर यहाँ पे आप दो सेम कैटेगरी के डिवाइस के बीच में अगर दोनों डिवाइस ऑटो MDIX फीचर को सपोर्ट करते हैं तो आप स्ट्रेट केबल भी यूज कर सकते हो। ऐसे केबलिंग का कोई रूल आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे मैं अगर आपको बताऊं, अभी के लिए जो लेटेस्ट डिवाइस जितने भी आपके पास आ रहे हैं ना, वो सारे अभी के लिए नहीं, मैं अगर 2012-13 के बाद भी जो डिवाइस आपके पास अवेलेबल है, जैसे सिस्को का कुछ स्विचेस है, आपके पास मॉडल है 3550 स्विच का मॉडल होता है, 3750, 3850, ये सब अभी के लिए ये सब ऑलरेडी एंड ऑफ सेल और एंड ऑफ सपोर्ट चले गए, मतलब ये स्विच अब आपको नया खरीदने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी ये सब स्विचेस जो होता है वो शायद 2012-13 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसी टाइम के 12-13-14 या इसी टाइम पे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। इन सारे डिवाइस में भी आपको ये वाला फीचर देखने को मिलेगा। तो अगर आपके डिवाइस जो है ये वाला फीचर को सपोर्ट करता है तो आप क्या कर सकते हो, कोई केबलिंग का रूल आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं। हालांकि आपको जो ERTR का रूल मैंने आपको बताया 568A
और बी वाला, वो केबलिंग का वो रूल तो आपको कॉलर वाला जो रूल है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप चाहो तो दोनों तरफ अगर आप स्ट्रेट केबल बना रहे हो तो इस तरफ भी आप 568A रख सकते हो, इस तरफ भी 568A रख सकते हो, ठीक है। तो यही तो आपका स्ट्रेट केबल होता है, दोनों तरफ अगर आप 568A रख लिए रूल तो इसको आप स्ट्रेट केबल बोलते हो। एक तरफ 568A और दूसरे तरफ 568B अगर आप रखते हो तो उसको आप क्रॉस केबल बोल लेते हो, ठीक है। तो ये मैं इसका थोड़ा सा बस डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख लेता हूँ, बस याद रख लेना ये नाम। हालांकि कुछ जगह पे ये इंटरव्यू वगैरह में भी आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैंने जो लिखा है यूजिंग ऑटो MDIX फीचर डिवाइसेस फ्रॉम सेम कैटेगरी कैन ऑल्सो कनेक्टेड यूजिंग स्ट्रेट केबल एंड वाइस वर्सा, मीन्स आप अगर डिफरेंट कैटेगरी के लिए अगर आप क्रॉस केबल यूज करते हो ना, सॉरी स्ट्रेट केबल यूज करते हो ना, तो उस केस में आप चाहो तो क्रॉस केबल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका, जितने भी मैंने आपको बात बताया ना, ये आपका इथरनेट केबल के लिए था। मतलब आपके पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल मैंने आपको बोला ना, उस ट्विस्टेड पेयर केबल को आप कुछ नाम पे जानते हो, जैसे इथरनेट केबल आपके पास पहली बार जो होता है, इथरनेट केबल आपके पास होता है, जो इथरनेट केबल आपके पास होता है, आप किस केबल को इथरनेट केबल बोलते हो, जो ट्विस्टेड पेयर केबल के पास कैपेबिलिटी होता है 10 Mbps का डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, उस केबल को आप कैटेगरी करते हो इथरनेट केबल, उसे बोलते हो। और जिसके पास कैपेबिलिटी होता है 100 Mbps का डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब जिसका बैंडविड्थ जो हम बोलते हैं, जिस केबल का बैंडविड्थ आपके पास 100 Mbps का होता है, उसको आप क्या बोलते हो, फास्ट इथरनेट केबल आप उसे बोल लेते हो। और आपके पास एक होता है जिगाबिट इथरनेट, जिगाबिट इथरनेट मतलब आपके पास जिस इथरनेट केबल के पास कैपेबिलिटी होता है 1 Gbps पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, या फिर बैंडविड्थ जिसका आपका होता है 1 Gbps का। इसके बाद भी और एक आपके पास आता है 10 Gbps इथरनेट, जिसके पास 10 Gbps का कैपेबिलिटी होता है, आप उसे 10 Gbps इथरनेट बोलते हो। इसके बाद भी आपके पास जो इथरनेट आपके पास केबल होते हैं ना, उसके पास भी ज़्यादा, मतलब 40 Gbps का भी आपको कहीं पे मिल सकता है, कोई लेटेस्ट डिवाइस आपके पास आते हैं जिसके पास 40 Gbps का भी होता है, तो 40 Gbps मतलब वहाँ पे आपका क्या होता है, हो सकता है आपको 10 Gbps का आपको चार पोर्ट देखने को मिलेगा, या फिर एक ही पोर्ट अगर आपके पास 40 Gbps का है तो हो सकता है वो जो फाइबर ऑप्टिक्स है ना वो यूज करने के लिए हो सकता है, या फिर आपके पास इथरनेट के लिए भी अगर है वो पोर्ट तो फिर उसको भी आप देखोगे 10 Gbps या फिर जिगाबिट के नाम पे ही वो डिवाइसेस में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि 40 Gbps कहीं पे लिखा आता है, ठीक है। तो ये जो कैटेगरी आपका इथरनेट का कुछ है ना, ये कैटेगरी आपका बस बैंडविड्थ के हिसाब से डिफाइन किया गया। जो इथरनेट केबल है उसमें भी आपका कुछ स्टैंडर्ड होता है, जो इथरनेट का स्टैंडर्ड बेसिकली हम बात करते हैं ना, ठीक है। तो जो आपके साथ आपके पास बहुत सारे चीज़ें होते हैं, जैसे आपके पास इथरनेट, कोई भी आपके पास टेक्नोलॉजी आ गया, ये जो इथरनेट केबल है ये भी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका काम करता है, इसके लिए आपका एक प्रोटोकॉल भी काम करता है लेयर टू पे, जो आपका नाम होता है इथरनेट प्रोटोकॉल, इसके अकॉर्डिंग जो है ये केबल आपका बनाया गया है, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही आपका ये जो केबलिंग है ना, ये केबलिंग टाइप आपका बनाया गया है। तो वो उसमें भी कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड ऑलरेडी डिफाइन किया है कि अगर आप इथरनेट केबल यूज कर रहे हो ना, तो उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो आपका केबल आपको क्या करता है वो फॉलो करता है, और उस स्टैंडर्ड को उन्होंने नाम दिया है 802.3। तो आपको हो सकता है किसी भी चीज़ अगर आपको इंटरनेट पे देखने को मिल रहा है या फिर किसी बुक से आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे अगर इथरनेट लिखा नहीं है
और 802.3 वाला स्टैंडर्ड वहाँ पे भी लिखा है ना, तो आप उसे मान लेना, ये जो टेक्नोलॉजी मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो ये टेक्नोलॉजी इथरनेट को सपोर्ट करता है। मान लो किसी नया चीज़ के बारे में उन्होंने डिफाइन किया और उन्होंने ऐसे लिख लिया कि ये जो नया टेक्नोलॉजी है ये 802.3 स्टैंडर्ड को बेस करके बनाया गया है, तो इसका मतलब आपको ये मानना पड़ेगा ये जो टेक्नोलॉजी मैं जिसके बारे में पढ़ने जा रहा हूँ ये 802.3 मतलब इथरनेट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बनाया गया है या फिर इथरनेट से ये सपोर्टेड है, आपको ऐसा देखने को मिलता है। अगर आपको वायरलेस के लिए बात करोगे भी तो आपके पास एक टेक्नोलॉजी सॉरी आपके पास एक स्टैंडर्ड होता है जिसे आप बोलते हो 802.11 वाला, ठीक है। धीरे धीरे आप जब पढ़ोगे ना, जैसे STP का भी कुछ होता है, कुछ प्रोटोकॉल के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो उनके भी कुछ स्टैंडर्ड के बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हालांकि इन स्टैंडर्ड के बारे में अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हो, अगर आप मतलब आप इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए, तो हर एक स्टैंडर्ड के लिए आपके पास RFC होता है, ठीक है। तो आप नेट पे ढूंढ लेना RFC फॉर 802.3 स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे आपको पूरे बुक्स उसका पूरा हिस्ट्री मिल जाएगा, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद क्या आया था क्या नहीं आया था। आपको हो सकता है इथरनेट के लिए आपको 1000 पेज का भी एक RFC मिल जाए जिसमें पूरा हिस्ट्री आपके पास होता है। RFC आपका एक ऐसा चीज़ होता है, आपके पास कोई भी टेक्नोलॉजी नया आ रहा है, कोई इंट्रोड्यूस अगर कर रहा है ना, तो उस वो एक क्या पहले क्या करता है, एक RFC बनाता है। जैसे आप कोई नेटवर्क भी बनाने के लिए जाते हो ना, तो उस नेटवर्क को बनाने के बाद आपको एक RFC जैसा चीज़ भी लिखना पड़ता है, मतलब वो नेटवर्क आपने क्यों बनाया, क्यों आपने ये प्रोटोकॉल उस नेटवर्क में चलाया, उस नेटवर्क से ये डिवाइस के बीच में आपने कम्युनिकेशन क्यों किया, ये नेटवर्क का जो सोल्यूशन है वो कैसा है और ये काम कैसा कर रहा है, सब कुछ आपको लिखना पड़ता है ताकि बाद में कोई भी अगर आए उस नेटवर्क में काम करने के लिए उससे सब कुछ वो वाला RFC पढ़ के समझ में आ जाए। इसी तरह आपका कोई भी टेक्निकल रिलेटेड आपके पास टेक्नोलॉजी होता है ना, तो हर एक के लिए आपका क्या होता है, एक RFC इंट्रोड्यूस किया जाता है। कोई अगर कुछ भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नया कर रहा है ना, तो उसके लिए वो एक RFC बनाता है कि इस टेक्नोलॉजी में एक्चुअली है क्या और इसको यूज करने के बाद क्या फ़ायदा हो सकता है, और सबसे पहले जब हमने उसे बनाया था तो किस लिए हमने उसे लाया था, उसके बाद उसमें हमने क्या नया नया चीज़ ऐड किया और उससे करने के बाद क्या हुआ, हर एक चीज़ हर एक अपडेट के बाद आपको RFC में अपडेट मिल जाता है। आप चाहो तो इंटरनेट में ढूंढ के उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इथरनेट केबल का जो टाइप होता है बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलता है। ये आपको बेसिकली आप जब डिवाइस के लिए जाओगे ना, कोई स्विच वगैरह आप खोलोगे तो उसमें जो इंटरफेस आपके पास होते हैं तो उसमें आपको ये सारे चीज़ देखने को मिलेगा, ये सारे नाम के साथ आपको देखने को मिलेगा। मतलब बस यही चीज़ जान लो कि अगर आप किसी स्विच पे या फिर किसी राउटर पे आप बैठे हो, कोई कॉन्फ़िगरेशन या फिर किसी पोर्ट का स्टेटस आप चेक कर रहे हो, तो उसमें अगर आपको ये सारे नाम देखने को मिल रहा है, जैसे इथरनेट फास्ट इथरनेट जैसा कुछ नाम मिल रहा है, तो उसका मतलब आपका ये बैंडविड्थ के हिसाब से ही वो डिफाइन किया गया है कि ये इस तरह का केबल है, तो उससे आपको पता चल जाएगा मेरा डिवाइस के पोर्ट के पास कितना कैपेबिलिटी है, ठीक है। ये था आपका एक छोटा सा स्टोरी जो आपके पास इथरनेट केबल है ना, या फिर आप जो जिसे आप ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते थे, तो उसके बारे में। अभी हम थोड़ा बहुत बस जानेंगे फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में। यहाँ पे एक पॉइंट में इथरनेट के बारे में लिख लेता हूँ, इन इथरनेट केबल द डेटा ट्रैवल इन इलेक्ट्रिक सिग्नल, या फिर कहीं पे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक पल्स, ठीक है। तो इसका मतलब आपका है जो इथरनेट केबल आपके पास है, जो ट्विस्टेड पेयर केबल आपके पास है ना, उसमें जो डेटा आपका ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में आपके पास ट्रैवल करता है। इसीलिए तो आपके पास अगर दूसरा कोई इलेक्ट्रिक सिग्नल वाला कोई डिवाइस है जो कुछ सिग्नल मतलब जनरेट कर रहा है, तो आपका इंटरफेरेंस बन सकता है। मैंने आपको लास्ट क्लास इसके बारे में थोड़ा बहुत हमने बात किया था, तो इसीलिए हमने ट्विस्टेड करके उसे बनाया था, उसे थोड़ा बहुत बचाने के लिए। और दूसरा चीज़ था, आपके पास एक शील्डेड ट्विस्टेड पेयर करके था, तो उसके ऊपर हमने एक सील लगाया था उसे बचाने के लिए, क्योंकि ये जो वायर होता है इसके अंदर जो हमारा डेटा ट्रैवल करता है ना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रैवल करता है, ठीक है। OSI जब हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे वहाँ पे। ये स्पेलिंग फाइबर का थोड़ा देख लेना, ठीक है। अभी हम जानेंगे फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में। ये जो टेक्नोलॉजी है ना वायर का, जो ये फाइबर वाला जो टेक्नोलॉजी आया था, ये टेक्नोलॉजी आपका सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। लेटेस्ट मतलब जो इथरनेट केबल आपके पास था ना, उसमें डेटा आपका जो होता था ना, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रैवल करता था, और इलेक्ट्रिक सिग्नल में वो ट्रैवल कर रहा है मतलब उसके पास जो आपका मतलब डिस्टेंस होता है ना, कितना डिस्टेंस ये केबल आपका कवर कर सकता है, वो डिस्टेंस आपका थोड़ा लो होता था, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल अगर है तो वो कुछ देर के बाद क्या होता है, आपका रिड्यूस भी होता रहता है,
ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक में आपने देखा होगा ना, आपके पास कोई अगर पावर ज़्यादा आ रहा है तो उससे ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, ट्रांसफार्मर वगैरह यूज करते हो। हालांकि यहाँ पे भी आपके पास एक डिवाइस होता है रिपीटर, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे, वो यूज हम कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरा डिस्टेंस अगर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर तक मेरे को कोई सिग्नल लेके जाना है या फिर कोई डेटा लेने के लिए कोई कनेक्शन बनाना है, तो उस केस में मैं वो केबल यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को बहुत सारे रिपीटर्स यूज करना पड़ेगा। और हो सकता है जो केबल में मेरा डाटा ट्रांसमिट हो रहा है ना, फिर भी कहीं पे मिस हो जाए। हमें बहुत सारे चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है ना, क्योंकि इथरनेट केबल में आपके पास टोटल 8 वायर्स होते हैं और सारे वायर के ऊपर आपको भी ध्यान देना पड़ता है। कहीं पे एक छोटा सा भी गलती हो गया किसी वायर में तो आपका डाटा ट्रांसमिट में प्रॉब्लम हो सकता है। तो मतलब आपका जो इथरनेट वायर था ना, वो था तो बहुत अच्छा। आपके पास जो इथरनेट वायर का भी बहुत स्टैंडर्ड उन्होंने निकाला, जैसे सबसे पहले आपके पास आया था कुछ सीरियल केबल था इथरनेट से पहले, जबकि अब वो नहीं चलता है। सीरियल केबल में बेसिकली आपका जो था ना बैंडविड्थ आपका 1.44 Mbps या 5.4 Mbps स्पीड होता था, उससे लेके आप शायद सबसे ज़्यादा इसका 52 या ऐसा कुछ Mbps तक ये जा सकता है जो सीरियल केबल आपके पास था, ठीक है। इसके बाद नया जो स्टैंडर्ड आया था वो इथरनेट केबल आपके पास आया था, जिसे आप ट्विस्टेड पेयर बोलते थे। उसमें भी आपके सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया था उसका बैंडविड्थ था 10 Mbps का। बाद में जब ज़्यादा बैंडविड्थ की जरूरत पड़ा 100 Mbps के लिए फास्ट इथरनेट, फिर 10 Gbps इथरनेट, फिर 10 Gbps इथरनेट आपके पास आ गया। तो स्टैंडर्ड तो उन्होंने एडवांस करते रहे, अपग्रेड करते रहे धीरे धीरे, लेकिन उसके बाद भी उनको लगा कि इथरनेट केबल सफिशिएंट नहीं है, हम कुछ दूसरा तरीका निकाल सकते हैं जिससे हमारा क्या होगा कि जो सिग्नल हम भेज रहे हैं या फिर डेटा ट्रांसमिट हमारा हो रहा है वो ज़्यादा दूर तक जा पाए। क्योंकि आपका इंटरनेट जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है ना, अभी ये जो नेटवर्किंग चीज़ है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है ना। तो उन्होंने फिर एक नया टेक्नोलॉजी के साथ आया, उन्होंने देखा कि हम फाइबर ऑप्टिक्स बनाते हैं। फाइबर ऑप्टिक्स में बेसिकली आपका क्या होता था, आपका ये लाइट इन पल्स ऑफ लाइट, ठीक है, ये लाइट सिग्नल के साथ जाता था। आपको पता है अगर आप स्कूल के टाइम में भी पढ़े हो तो कोई अगर आपसे पूछता है कि किसका स्पीड सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता है लाइट का स्पीड जो है सबसे ज़्यादा होता है। लाइट जो है बहुत तेज़ी से वो क्या होता है, लाइट जो है आपका ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने सोचा कि लाइट को ही हम इस्तेमाल करके हम कुछ नया टेक्नोलॉजी निकाल सकते हैं जिससे हमारा डेटा ट्रांसमिट हो पाए। तो उसके बाद उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला जो आपके पास आया था फाइबर ऑप्टिक्स केबल करके। तो बेसिकली ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल आपके पास था, इस केबल में आपका जो डेटा ट्रांसमिट करता है ना वो पल्स ऑफ लाइट या फिर लाइट सिग्नल में ट्रांसमिट करता है। तो इससे आपका क्या हुआ, जो डेटा ट्रांसमिट आपका है ना वो बहुत तेज हो गया। मतलब जो फाइबर ऑप्टिक आपके पास अवेलेबल होते हैं वो लोएस्ट जो स्पीड उसका होता है वो Gbps में आपके पास होता है। मतलब अभी के लिए ज़्यादा इसका है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन फिर भी आप 8 Gbps तक स्पीड जो है अचीव कर सकते हो, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। कोई डेटा सेंटर वगैरह में है ना आपके पास जो बैंडविड्थ होता है, आपने देखा होगा Tbps तक बैंडविड्थ आपके पास होते हैं, हालांकि वो मल्टीपल फाइबर केबल्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी जो जनरली मैं आपको बताता हूँ कि 80 Gbps तक आप जो स्पीड है वो अचीव कर सकते हो फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करके। अभी हम देखेंगे कि ये केबल कैसा होता था। जैसे इथरनेट केबल आपके पास 8 पिन का केबल होता था, तो इसमें ये केबल आपका कैसा होता था। इस केबल में ये क्या होता है, आपके पास एक कोर होता है और एक उसके ऊपर आपके पास एक क्लैडिंग होता है, कोर एंड क्लैडिंग। ये कोर एंड क्लैडिंग इसका क्या है, कोर आपका एक मेन चीज होता है जो आप कांच का जैसा होता है ना उसी तरह का ग्लास का कुछ बना हुआ चीज़ें होता है जो आपका कोर होता है, और दूसरे बात आपके पास जो क्लैडिंग होता है ये एक बाउंड्री होता है, ठीक है। कोर जो होता है आपका एक ग्लास का बना हुआ चीज़ होता है और क्लैडिंग जो है ये आपका एक बाउंड्री जैसा चीज़ होता है जो कि कोर के ऊपर रहता है। तो इसमें जो डेटा आपका ट्रांसमिट करता है ना, जो भी सिग्नल आपके पास जाते हैं उनको एक टेक्नोलॉजी वो फॉलो करते हैं या फिर एक टर्मिनोलॉजी वो फॉलो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब आपने देखा है ना, अगर आपके पास कोई मिरर है, उस मिरर पे अगर आप किसी टॉर्च से लाइट या फिर किसी लाइट को फेंकते हो तो वो लाइट आपका क्या होता है, मिरर में हिट करने के बाद किसी दूसरे जगह पे आ जाता है। फिर वहाँ पे अगर आप कोई मिरर लगा लोगे ना तो फिर वो लाइट किसी दूसरे जगह पे भी चला जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत सारे अगर मिरर लगाओगे तो वो जो टॉर्च का लाइट आप यूज कर रहे हो ना वो बहुत दूरी तक, वो बहुत दूरी जो है वो तय कर लेगा। तो उन्होंने सेम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज कर लिया। उन्होंने कैसे किया, कोर जो होता है ये एक आपका होता है ग्लास जैसा चीज़ होता है, और ये जो क्लैडिंग होता है ये क्लैडिंग एक बाउंड्री की तरह होता है, ठीक है।
तो इसमें आपका क्या होता है, जब भी आपका सिग्नल लाइट में ट्रैवल करता है ना, वो पहले क्या करता है, आपका क्लैडिंग में हीट होता है, फिर यहाँ पे क्लैडिंग में एक जगह पे इसने हीट कर लिया, फिर इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो ये क्लैडिंग पे हीट हो गया ना, फिर दूसरी जगह इसका रिफ्लेक्शन, तो इस तरह से ये कंटिन्यू ट्रैवल करता है। और आपका लाइट जो है एक एंड से दूसरे एंड तक इसी तरह, आपका जो क्लैडिंग होता है वो क्लैडिंग बाउंड्री में आपका लाइट हीट करता है, हीट करने के बाद उसका एक रिफ्लेक्शन जनरेट होता है, वो रिफ्लेक्शन फिर जाके क्लैडिंग की बाउंड्री में हीट करता है, फिर वहाँ से एक रिफ्लेक्शन जनरेट होता है। इसी तरह आपका जो डेटा ट्रांसमिट आपका होता है ना लाइट सिग्नल, वो एक तरह से दूसरे तरफ तक आपके पास चला जाता है। ठीक है, ये आपका होता है, जो यही टर्मिनोलॉजी आपके पास होता है जो आपके फाइबर ऑप्टिक केबल में आपका यूज होता है, जिसके जरिए आपका क्या होता है, जो डेटा ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे लाइट का सिग्नल यूज करते हो, इसलिए आपका डेटा भी बहुत फास्ट होता है, और आप बहुत दूरी भी फाइबर ऑप्टिक के साथ आप बहुत दूरी भी तय कर सकते हो, बहुत दूरी तक आप लेके भी जा सकते हो। ठीक है, किसी के पास कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक है या मैं आगे बढ़ूँ? रिप्लाई कर दो प्लीज, कोई क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे आपको पूरा फाइबर ऑप्टिक के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। क्लियर है ना? जी जी क्लियर। ठीक है, ये जो फाइबर ऑप्टिक केबल आपके पास होता है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल आपके पास दो तरह का होता है, एक आपके पास होता है सिंगल मोड में आपका क्या होता है, आपका अगर केबल ऐसा है ना, तो सिग्नल आपका ऐसे ही ट्रैवल करता है, एक ही सिग्नल उसके अंदर ट्रैवल करता है आपका। ठीक है, मतलब यहाँ पे और कोई सिग्नल नहीं होता है जो कि इंटरफेरेंस कर सकता है, एक ही लाइट का सिग्नल आपके पास होता है, वो आपका ट्रैवल करता है सिंगल मोड के अंदर। और ये सिंगल मोड आपका होता है ये आपका लेस कॉस्टली होता है, कैन अचीव लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, आपका जो सिंगल मोड होता है ना, ये क्या कर सकता है, आपका लॉन्ग डिस्टेंस को अचीव कर सकता है, और इसमें क्या होता है, आपका कॉस्ट इसका जो है ज्यादा होता है, क्योंकि इसको ज्यादा रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ता है ना, सिंगल पे ही वो काम करता है, इसलिए आपका कॉस्ट जो है कम होता है इसका, लेस कॉस्ट होता है, मतलब ये इथरनेट से ज़्यादा आएगा, लेकिन आपका जो मल्टी मोड एक होता है फाइबर ऑप्टिक्स, उससे थोड़ा इसका कॉस्ट कम होता है। ठीक है, एक आपके पास मल्टी मोड होता है, मल्टी मोड में आपका क्या होता है, आपके पास मल्टीपल सिग्नल ट्रैवल करते हैं एक केबल के अंदर। ठीक है, इस तरह से मैंने यहां पे दो सिग्नल आपको दिखाया, तो मल्टी मोड में आपका क्या होता है, मल्टीपल सिग्नल आपके पास ट्रैवल करते हैं एक ही केबल के अंदर, एक ही कोर और क्लैडिंग को यूज करके मल्टीपल सिग्नल ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं आता, ऐसा नहीं कि दो सिग्नल अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके इसमें इंटरफेरेंस आ जाएगा, लाइट के केस में ये नहीं आता, इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है। और ये जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वगैरह जो होता है ना, ईएमएफ वगैरह, उनसे फाइबर ऑप्टिक केबल पूरा बचा हुआ होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। ये हाई कॉस्टली होता है और कैन नॉट, ये लॉन्ग डिस्टेंस मींस अचीव नहीं कर सकता। ठीक है, और इसमें कुछ था क्या, नहीं, ये थोड़ा आपका कॉस्ट जो है इसका ज़्यादा होता है, और ये क्या कर सकता है, आपका ज़्यादा डिस्टेंस अचीव नहीं कर सकता। अगर आप सिंगल मोड फाइबर यूज करते हो तो उसमें आप जितना डिस्टेंस अचीव कर सकते हो, आप मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल यूज करके उतना डिस्टेंस आप अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, आपको मैंने इथरनेट का कनेक्टर के बारे में नहीं बताया ना। ठीक है, पहले पॉइंट में मैं लिखता हूँ, RJ45 कनेक्टर फॉर इथरनेट केबल्स SFP कनेक्टर। ठीक है, ये आपका कनेक्टर का नाम है, किसके लिए आप क्या कनेक्टर यूज करते हो,
और आपके पास फाइबर ऑप्टिक के लिए भी और कुछ चीज़ें आती है, जैसे आपका SFP कन्वर्टर वगैरह भी आपके पास आता है। मतलब आपका क्या होता है ना, मान लो आपके डिवाइस के पास इथरनेट का पोर्ट है और आप फाइबर ऑप्टिक केबल से उसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आपके पास एक कन्वर्टर होता है जिसे आप SFP कन्वर्टर बोलते हो। उस कन्वर्टर का बेसिकली काम यह होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करना, फिर लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो वो कनेक्टर लगा के आप फिर क्या कर सकते हो, जो आपका फाइबर ऑप्टिक है ना केबल है उससे आप यूज कर सकते हो इथरनेट पोर्ट वाले डिवाइस पे। यहाँ पे लिख लेता हूँ उसको। या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो, अगर आपके पास कोई फाइबर ऑप्टिक केबल लगाने के लिए SFP पोर्ट आपके डिवाइस के पास नहीं है ना, तो उस केस में आप भी फाइबर ऑप्टिक यूज कर सकते हो, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, ठीक है, उससे आप यूज करके लगा सकते हो। और फाइबर में नहीं, आपके पास कुछ नहीं है, बस इतना, बस छोटा सा एक बेसिक सा मैंने दे दिया। यहाँ तो किसी के पास कोई कन्फ्यूजन है क्या? आप है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा, कुछ डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये केबलिंग मैं आपको पूरा नहीं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वो पैसिव नेटवर्किंग का पार्ट होता है। मैंने बस बेसिक से आपको बताया कि ताकि थोड़ा आप जान लो जो हमारे लिए ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि अगर आप किसी डिवाइस पे जाओगे ना, आप कोई कुछ नेटवर्क पे अगर आप काम करने के लिए जा रहे हो, तो उस केस में भी आपका होता है, आपको कहाँ पे सिंगल मोड केबल यूज करना है, कहाँ पे मल्टी मोड केबल यूज करना है, वो आपको देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप जो SFP पोर्ट ले रहे हो ना, सो SFP जो आपका कनेक्टर होता है, वो कनेक्टर भी आपका आता है सिंगल मोड के लिए अलग से आता है, आपका मल्टी मोड के लिए अलग से आता है। तो उस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ से आप सिंगल मोड लगा लिए, दूसरी तरफ से आप मल्टी मोड लगा रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा आपको बेसिक्स ओवरव्यू आपको दे दिया। यहाँ तक अगर क्लियर हो आपका तो आप बता सकते हो, हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। जो सिंगल मोड और डबल मल्टी मोड है, डाटा स्पीड वेरी करेगा क्या? हाँ, आपका मल्टी मोड में डाटा स्पीड ज्यादा होता है, मैंने शायद वो वाला पॉइंट बोल दिया। हाँ ठीक है, सिंगल मोड में आपके पास डेटा स्पीड जो जो होता है स्लो होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो मल्टी मोड होता है ना, उसमें मल्टीपल सिग्नल्स एट ए टाइम आपका ट्रैवल कर सकते हैं ना, तो उस केस में अगर आप कोई डिवाइस जो होता है वो डेटा अगर कोई भेज रहा है, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, आपके डिवाइस में भी जो डेटा आपका जनरेट होता है वो तो बीट्स में होते हैं ना, उस बीट्स को आपका क्या होता है लाइट सिग्नल में फिर कन्वर्ट किया जाता है। तो उस केस में अगर आपका एक बीट का डेटा जो है एक एक सिग्नल की तरफ चला गया, तो दूसरे का दूसरे के लिए चला गया, तो इस तरह से आपके पास बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब आपका कैसा है, अगर सिंगल मोड के बारे में अगर आप बात करोगे, तो आपके पास मान लो ऐसे कुछ आपके पास बीट थे जो आपका डेटा का बीट है, ये आपका ऐसे लाइन में होते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टी मोड में यही बीट आपका कैसा होता है, इस तरह का हो जाता है, चार एक सिग्नल के लिए और चार दूसरे के लिए, या फिर और किसी तीसरे के लिए सिग्नल, जैसे कन्वर्ट, मतलब एक के बाद कन्वर्ट, एक कन्वर्ट होते हैं, फिर उसके बाद जो होता है अलग अलग सा सिग्नल करके भेज दिया जाता है। इसलिए आपका जो मल्टी मोड होता है उसमें थोड़ा आपका स्पीड होता है ज़्यादा, सिंगल मोड में आपका ज़्यादा स्पीड नहीं होता है, हालांकि इथरनेट से ज़्यादा स्पीड होता है, लेकिन मल्टी मोड से थोड़ा कम स्पीड होता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, इसके बाद नेटवर्क केबलिंग के बाद मैंने नेटवर्क डिवाइसेस लिखा है, ठीक है, मैं डिवाइसेस पढ़ लूँगा, लेकिन ये जो दो पॉइंट मैंने लिखा है ना, बेसिक इनिशियल डिवाइस कमांड और बेसिक इंटरफेस कमांड, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, OSI वगैरह खत्म करने के बाद हम इसे देखेंगे, सबसे पहले इसे खत्म करके फिर स्विचिंग वगैरह के लिए बढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि OSI वगैरह के बारे में हम जब तक क्लियर नहीं हो जाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बात करना सही नहीं रहेगा। तो नेटवर्क डिवाइसेस के बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे डिवाइस मेमोरी के बारे में, ठीक है। तो चलो हम अभी बात कर लेते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस मतलब आपके, ये नाम से आपको पता है कि नेटवर्किंग बनाने के लिए या फिर एक नेटवर्क बनाने के लिए हमें जो जो डिवाइस का जरूरत होता है, उन्हीं डिवाइस को हम नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक नेटवर्क बनाने के लिए या फिर नेटवर्किंग के लिए क्या क्या डिवाइस जरूरी होता है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे।
तो हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, नेटवर्किंग के ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे डिवाइसेस लाया गया। हालांकि अभी भी आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस धीरे 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 आ रहे हैं, तो हम बस यहाँ पे एक बेसिक सा ओवरव्यू जानेंगे कि कौन से डिवाइस का क्या काम होता है आपके पास। सबसे पहले आपके पास आता है पीसी, या फिर आप कंप्यूटर बोल सकते हो, ठीक है। पीसी का बेसिकली आपके पास क्या काम होता है, जो एंड यूजर होता है, डेटा जनरेट करना पड़ता है उसे, या फिर डेटा बनाना पड़ता है, डेटा रीड करने के लिए उसको एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ता है। उस डिवाइस को आप एंड डिवाइस या फिर एंड होस्ट, या आप अगर कंप्यूटर जैसा चीज़ है वो, तो आप उसे पीसी बोल लेते हो। ये होता है आपका एक तरह का एंड डिवाइस। ठीक है, इसके लिए और एक पॉइंट के लिए हम चलेंगे। दिस डिवाइस द इंटरफेस बिटवीन नेटवर्क एंड द यूजर, या फिर आप एंड यूजर लिखो, आप यूजर जैसा समझो लेकिन एंड यूजर लिखो। तो यहाँ पे मैंने तीन चीज लिखा। पहले चीज तो मैंने लिखा, ये डिवाइस जो होता है ये आपका यूज होता है क्रिएट, व्यू और मैनेज करने के लिए डेटा को। अगर आपके पास कोई डेटा है, जैसे इमेज का डेटा है या फिर टेक्स्ट का डेटा, कुछ भी हो, आपको डेटा क्रिएट करना है, मतलब आप कोई टेक्स्ट का फाइल बना रहे हो, या फिर कोई इमेज बना रहे हो, या फिर आपको डेटा देखना है, कोई आपको डेटा दे रहा है उसे आप देख रहे हो, या फिर उसे मैनेज कर रहे हो, किसी जगह पे कोई मैनेज करने के लिए डेटा है तो उसे आप मैनेज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक एंड डिवाइस की ज़रूरत होता है, ठीक है। पीसी या फिर एंड डिवाइस मैं लिख रहा हूँ, इससे एक्चुअली नेटवर्किंग वर्ड में आप एंड डिवाइस या एंड होस्ट ही बोल रहे हो। तो उसके लिए आपको एक पीसी चाहिए। ये पीसी क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड डिवाइस होता है। ये एक ऐसा फिजिकल डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशन चलते हैं, और वो एप्लीकेशन के जरिए आप क्या करते हो, बहुत सारे तरीके के डेटा को मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मेरे पास अगर पेंट है, ये जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट एप्लीकेशन अगर मेरे पास है, तो ये एप्लीकेशन का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, कोई इमेज वाला फाइल जनरेट कर सकता हूँ, या फिर कोई इमेज वाला डेटा जो है मैं बना सकता हूँ। जैसे अगर मेरे पास नोटपैड एप्लीकेशन है, तो कोई टेक्स्ट वाला मेरे पास डेटा आ रहा है तो उससे मैं रीड कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये सारे एप्लीकेशन आपका कहाँ चलते हैं, आपके पास एक डिवाइस होता है जिसमें ये सारे एप्लीकेशन चलता है, तो उसे आप एंड डिवाइस बोलते हो। और उस ये जो डिवाइस आपका होता है, इसको आप एंड डिवाइस या एंड होस्ट भी बोलते हो नेटवर्किंग के वर्ड में। और ये आपका होता है इंटरफेस या इंटरफेरेंस बिटवीन द नेटवर्क एंड द यूजर। यूजर मतलब कौन, यूजर आप जो डेटा को मैनेज करोगे, या फिर डेटा जनरेट करोगे, या डेटा देखोगे, और इस डिवाइस के सामने आप ही बैठते हो। मतलब आपको ऐसा नहीं कि कोई राउटर के साथ डायरेक्ट आप बात कर रहे हो, किसी राउटर का एक्सेस लेने के लिए भी आपको एक दूसरे डिवाइस का जरूरत होता है, जो कि आपका एंड डिवाइस होता है। आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट राउटर खोल के आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ का यूज करना है, किसी भी डेटा जनरेट वगैरह कुछ भी करना है, आपको एक डिवाइस के पास बैठना पड़ता है, वो डिवाइस आपका एंड डिवाइस या फिर पीसी होता है, ठीक है। ये आपका इंटरफेस होता है आपके और नेटवर्क के बीच में, ठीक है। किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए भी आपको कुछ एंड डिवाइस की जरूरत पड़ता है, वो आपका पीसी होता है। आप पीसी मान लो, आप लैपटॉप मान लो, आप मोबाइल फोन मान लो, कुछ भी मान लो, इसको आप एंड डिवाइसेस या फिर एंड होस्ट आप बोलते हो नेटवर्किंग के वर्ड में। और थोड़ा हम नेटवर्क के बारे में, तो इसमें मैंने पीसी डायरेक्ट काउंट कर लिया। मैं चाहूँ तो इसे लैपटॉप अलग करके लिख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे मोबाइल फोन भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने एंड डिवाइस करके, इसलिए मैंने स्लैश एंड डिवाइस कर दिया, ताकि सारे चीज़ आपको यही से समझ में आ जाए। दूसरे आपके पास हब, यूज टू ठीक है। इसके बाद जहां पे भी मैं पीसी के बात करूंगा या मोबाइल फोन के बात करूंगा, मैं वहां पे एंड होस्ट या फिर एंड डिवाइस बोलूंगा, ठीक है।
ठीक है, आपके पास जो हॉब था ना, ये एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जिसमें क्या है, आप देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, आपको किसी दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ना है, सॉरी दूसरे डिवाइस के साथ आपको कुछ कनेक्ट करना है, तो इसका मतलब आप क्या करते हो, आप अपने पीसी को दूसरे पीसी के लिए कनेक्ट करना है तो आप इथरनेट केबल एक लगा लो, अपने पीसी से दूसरे पीसी के लिए कनेक्ट कर लो। लेकिन मान लो ये तो दो डिवाइस के बीच आपका कम्युनिकेशन हो गया, लेकिन मान लो आपको ऐसा ज़रूरत हुआ कि आप मल्टीपल डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, आपके पास 5-6 PC है, आप उनके बीच कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, तो आपको ऐसा कुछ पॉइंट चाहिए ना जिसके साथ आपका सारे डिवाइस जो है एक साथ जोड़ जाए, तो वो पॉइंट कौन है आपका, आपको एक सेंट्रलाइज डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए। तो वो डिवाइस आपका सबसे पहले जब ओल्ड टाइम में आया था ना, वो आपका हब इंट्रोड्यूस हुआ था। हब में बेसिकली आपका क्या है, मल्टीपल इथरनेट पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे और उस पोर्ट में आपका मल्टीपल एंड डिवाइस को आप कनेक्ट करते हो, तो इससे क्या होता है, इस डिवाइस को यूज करके आप मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा बात करूँगा आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन और कोलिजन डोमेन के बारे में, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। यह आपका हब है, तो यह आपका क्या होता है, एक हब आपका एक ब्रॉडकास्ट डोमेन एंड एक कोलिजन डोमेन कहा जाता है। मतलब अगर आपके पास एक हब है, उसमें आपने मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट किया है, तो इसका मतलब आपका है वो सारे डिवाइस जो है आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में आ रहे हैं और एक ही कोलिजन डोमेन में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा भी कनेक्ट किए हो, मतलब आपके पास दो हब्स है, ठीक है, यहाँ पे एक हब वन है और हब टू है, इसमें भी कुछ आपका एंड डिवाइसेस है और इसमें भी आपका कुछ एंड डिवाइसेस है, तो इसका मतलब ये पूरा भी आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक ही कोलिजन डोमेन के अंदर आएगा। मतलब इसमें अगर कोई एक डिवाइस गलती से भी आपका ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करता है तो वो पूरा नेटवर्क में आपका फैलता रहता है, मतलब दूसरे हब के पास भी जाएगा, दूसरे हब के पास से भी वो क्या होता है, वो मैसेज दूसरे डिवाइस के पास चला जाता है। तो इसलिए आपने कहीं पर सुना होगा कि आपका जो हब होता है ना, वो हमेशा क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, आपने कहीं पर सुना होगा। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअली आपका जो हब है ना, ये हब के पास अगर कहीं से भी, इसके पास मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, तो ये आपका क्या काम करता है, इसके पास दो काम होता है। दो काम मतलब इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ये हब के पास नहीं है कि यहाँ पे कौन सा वाला पीसी आपका कनेक्ट है, यहाँ पे कौन सा वाला डिवाइस कनेक्ट है, या फिर किस तरह का डेटा वो भेज रहा है, ये इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि वो डेटा को आपका पहचान पाए, आपका जो हब होता है वो पहचान पाए उसको। इसीलिए बस उसका काम है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, और दो चीज़ वो करता है, दो चीज़ आपका क्या है, कहीं से भी किसी भी पोर्ट पे अगर उसे डेटा रिसीव हो रहा है ना, तो इसका मतलब इसे पता है कि अगर कहीं से भी मेरे पास एक डेटा आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे से कनेक्ट हुआ होगा कोई दूसरा यूजर के पास वो डेटा जाना है, इसे यही चीज़ पता होता है। तो वो क्या करता है, जब भी किसी पोर्ट से इसे कोई डेटा रिसीव हो जाता है, ये क्या करता है, उस डेटा को रिसीव होते ही सारे पोर्ट में ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। सारे पोर्ट में मतलब एक हब में मान लो मेरा फॉर एग्जांपल 10 पोर्ट्स थे, या फिर 8 पोर्ट वाला एक हब था, मान लो नंबर 1 पोर्ट पे उसको किसी ने डेटा भेज दिया, तो वही जो सेम डेटा उसके पास एक नंबर वाला पोर्ट पे रिसीव हुआ, वो उसे सारे पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर लेगा, ठीक है। इसीलिए आपका बोला जाता है कि हब जो होता है आपका हमेशा ब्रॉडकास्ट करता रहता है, क्योंकि उसके पास कोई इंटेलिजेंस नाम का चीज़ नहीं होता है जिससे वो डेटा को पहचान पाए, कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, इससे कुछ नहीं होता है, उसके पास कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए हमेशा वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर लेता है। और जब वो ब्रॉडकास्ट करता है, ये तो पहले काम होता है कि वो ब्रॉडकास्ट कर लेता है, जब ब्रॉडकास्ट करता है वो क्या करता है, डेटा को रेप्लिकेट कर देता है, रेप्लिकेट मतलब रीजेनरेट कर लेता है। रीजेनरेट मतलब आपके डेटा मान लो यहाँ पे किसी डिवाइस ने भेजा, इस पोर्ट पे रिसीव हुआ, और आपका डेटा वायर पे आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत आपका सिग्नल लॉस होता है, ठीक है, तो वो उसे क्या करता है, यहाँ से फिर रीजेनरेट कर लेता है, मतलब आपका जो सिग्नल होता है ना, उससे फिर से सिग्नल स्ट्रेंथ जो है 100% करके वो भेज देता है आगे, मतलब सारे पोर्ट पे सिग्नल स्ट्रेंथ को 100%, आप ऐसा समझो, सिग्नल जो आपके पास होता है उसके स्ट्रेंथ को 100% करके वो सारे पोर्ट पे भेज देता है, मतलब वो सिग्नल को रीजेनरेट कर लेता है, ठीक है। और यही दो काम आपके हब के पास होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपका हब जो होता है, एक जो आपके पास हब होता है, वो हमेशा एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर आता है, क्योंकि उससे कुछ समझ में नहीं आता है दूसरे चीज़, यूनिकास्ट वगैरह, मल्टीकास्ट वगैरह, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, क्यों, वो आपका जो है ना इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है डेटा कहाँ से कहाँ जाना है, बस उसको यही पता है कि एक ही पोर्ट पे मेरे पास अगर कोई डेटा रिसीव हो रहा है तो मैं सबको भेज देता हूँ, जिसका भी है वो ले लेगा। तो इससे क्या होता है, आपका अगर किसी डिवाइस का डेटा नहीं है तो वो डिवाइस उस डेटा को डिस्कार्ड करता है
और दूसरे डिवाइस जिसका डेटा है जिसके लिए वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन इससे एक दिक्कत होता है, आपका जो बैंडविड्थ होता है वो ज़्यादा यूटिलाइज होता है, दूसरे काम आपके पास होता है, ये एक ही कोलिजन डोमेन के अंदर आता है। इसका मतलब आपका एक डिवाइस अगर किसी दूसरे डिवाइस के साथ एक टाइम में कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो सबसे पहले जब हब आया था तो उसमें क्या था, अगर आपका एक डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के साथ आपका कम्युनिकेट कर रहा है तो उस टाइम में दूसरे डिवाइस और एक डिवाइस और एक डिवाइस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। फिर बाद में उन्होंने एक टेक्नोलॉजी या फिर एक फीचर लाया था जिसको आप बोलते थे CSMA/CD। CSMA का फुल फॉर्म आप थोड़ा देख लेना, CD का आपका होता है कोलिजन डिटेक्शन। तो इससे क्या होता है, हब को पता चल जाता है कि यहाँ पे अगर ये वाला डिवाइस एक दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब मेरा कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उस टाइम में अगर कोई दूसरा डेटा भेज रहा है तो उस टाइम में डेटा कोलाइड होने का चांस है, मतलब डेटा जो होता है वो स्ट्राइक हो सकता है। तो इसलिए वो क्या करता है, ये जो फीचर है ना CSMA/CD फीचर को यूज करके, वो क्या करता है, आपका डेटा जो है उसे वेटिंग जैसा होता है ना उस तरह। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है एक ही रूम में आप 50 लोग बैठे हो, आपको बाहर एट ए टाइम जाना है तो एक ही बंदा जा सकता है, ठीक है। अगर आप सबको बाहर एट ए टाइम भेजोगे तो कोलाइड हो सकता है, कोई किसी दूसरे से टकरा जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। तो आप अगर ऐसा कुछ रूल बनाते हो एक ही बंदा बाहर गया तो इसका मतलब वो जब तक ना आ जाए कोई दूसरा बंदा नहीं जा सकता, तो आपका सारा चीज़ स्मूथ हो जाएगा। हालांकि इससे आपका स्लो हो सकता है चीज़ें, हाँ हब में भी वैसे ही होता है, आपका डेटा स्लो होता है, लेकिन चीज़ें जो है आसान हो गया ना, आपका कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी डेटा के साथ किसी डेटा का कोलाइड तो नहीं हुआ ना, उससे बच गया, ठीक है। तो आपका एक हब जो होता है वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन कहा जाता है और एक आपका कोलिजन डोमेन भी कहा जाता है। और आपके पास नेटवर्क में अगर मल्टीपल हब्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, और मैं एक बार लिख लेता हूँ, यहाँ पे H1 है, Hub 1, Hub 2, Hub 3, ये एक दूसरे से अगर कनेक्टेड है तो ये भी आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन कहा जाएगा और ये भी आपका एक ही कोलिजन डोमेन कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप देखो, ये एक आपके पास हब का पोर्ट था, इससे आप दूसरे हब कनेक्ट कर लिए और उसके साथ आपने बहुत सारे PC फिर कनेक्ट कर लिए, तो आपका अगर ये डिवाइस कोई डेटा भेज रहा है ना, ब्रॉडकास्ट का कोई डेटा या फिर कोई भी डेटा भेज रहा है, तो आपके डिवाइस जो है आपका हब को पता है, यूनिकास्ट का भी डेटा आएगा ना, तो भी वो ब्रॉडकास्ट करता है, क्योंकि हब को यही पता होता है कि किसी से डेटा रिसीव हुआ है तो किसी का हुआ होगा, मैं सबको भेज देता हूँ, इसी तरह वो काम करता है। तो ये सबको भेज देगा, सबको भेजने के बाद ये वाला पोर्ट पे भी तो वो भेजेगा, फिर से ये वाला पोर्ट से जो डाटा एग्जिट किया ना, वो ये वाला हब के ये वाला पोर्ट पे रिसीव हो जाएगा। रिसीव होने के बाद फिर क्या होगा, इस हब को लगा कि मेरे किसी पोर्ट पे किसी ने डाटा भेजा है, तो मेरे को क्या करना है, मुझे तो सबको भेजना है, तो वो क्या करेगा, बाकी सबको भेज देगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला सिनेरियो पे आ जाऊँगा तो ये वाला डिवाइस यहाँ से भेज दिया, फिर इसने यहाँ, फिर यहाँ। तो इस तरह से आपका क्या होता है, जितने भी आप हब कनेक्ट कर लो, मल्टीपल हब कनेक्ट करने के बाद भी आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही होता है और कोलिजन डोमेन भी आपके पास एक ही होता है, ठीक है। इसीलिए आपका हब जो है एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, लेकिन सबसे पहले इसी डिवाइस को लाया गया था। नीचे इसका थोड़ा लिख लेता हूं, ठीक है। तो हब जो आपका होता है ये आपका एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन और एक ही कोलिजन डोमेन आपका कहा जाता है, इसीलिए।